तो स्वागत है तुम्हारे कौन वीडियो में। और ये पहले बुलेट वाले लौंडे को जानो तो दिमाग का भरोसा कर रखा इसने। चलो तो स्वागत है तुम्हारे कौन वीडियो में। और फाइनली न्यू रिडीम कोड आ चुका है दोबारा से। तो आ तुम्हारा भाई कुछ और दिलाने वाले तुम लोग को, तो प्लीज पूरी वीडियो देखना, पूरी वीडियो देख लिया करो यार, प्लीज पूरी देखा करो। और हाँ, तुम्हारा भाई मोंटेज एडिट कर रहा है कतई बहुत ज्यादा खतरनाक, तो छोटी सी ये वाली क्लिप देख सकते हो। तो ये इस चैनल पे नहीं आएगी, ये द स्काई के, समझ रहे हो ना, सेकंड चैनल है, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर होगा। प्लीज उस पर 100 सब्सक्राइबर करवा दो, 100 सब्सक्राइबर स्पेशल मोंटेज आने वाली, और वो भी हद से ज्यादा खतरनाक। समझ रहे हो ना यार, तुम्हारा भाई एडिट कर रहा है तो खतरनाक मोंटेज होगा, कतई स्नाइपिंग लेवल तो नेक्स्ट होने वाली है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, 100 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं, तो कर लेना यार। अब ये लौंडा मेरे को नहीं पता कौन है, लेकिन इसको मेरा पूरा बायो डाटा पता है। अब पता नहीं कौन है यार, इसने नाम भी नहीं लिख रखा, पूरा डिटेल यही जन्म कुंडली मेरी इसी ने निकाल दिया है। मैं कौन है ये, मेरे स्कूल का है लेकिन नाम नहीं पता। अगर नाम पता होता ना कसम से इसको मैं उठवा देता हूँ अभी, बस बोरी में बंद करके बस कल्टी करवा देता इसे मैं, पता भी नहीं कौन है। अब नेक्स्ट, अब इन भाई साहब का कहने का मतलब ये है कि मेरे को शादी में बुलाना भाई, मतलब सबको शादी में बुलाना, टेंशन मत लो, मैं पूरे मोहल्ले गाँव इंडिया सबको बुला लूँगा यार, क्यों दिक्कत ले रहे हो यार। मेरे को विश्वास नहीं है शादी भी होगी मेरी, नहीं मेरे को विश्वास नहीं है, लेकिन देखते हैं यार, वैसे भी कोई भाव तो देता नहीं है, लेकिन टेंशन मतलब तुम्हारा भाई शादी में नहीं बुलाएगा, होएगी नहीं तो ये दिक्कत ले रहे हो। तो नेक्स्ट ये वाला, अब क्या ही बताऊँ मैं, देखो ऐसी बात है, तुम लोगों ने देखा होगा बम फूटते, फटाके फूटते, कद्दू लहसुन फूटते, लेकिन ये भाई साहब मेरी शादी में RPG ग्रेनेड ये सब फोड़ेंगे। वाह भाई वाह, तालियां बजनी चाहिए, तालियां बजाओ इनके लिए। तुम यार ये आज बाइक वाले इतने क्यों आ रहे हैं बे, इतने दिन से सुख चैन की नींद ले रहा था मैं, आज ही लौंडा प्रकट। लो भाई तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है बे, आ चुका है वो लौंडा, बुलेट वाला और बाइक वाला दोनों एक साथ गुजरा है यहाँ से, पता नहीं क्या ही चूर मची है। पैसे देके नहीं बुलाता मैं, टेंशन मत लो, पैसे देके बे मैं कुछ ना खरीदूँ, ये तो फिर भी बाइक वाले को बुलाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं नहीं खरीदता, लेकिन आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है, आ चुका है फाइनली, अब तो आया मजा, इसका कुछ करना पड़ेगा, इस लौंडे को कुछ करना पड़ेगा, एक बाइक बार बार यहीं से ले जाता है, बहुत हरामी है। चलो छोड़ो, अब नेक्स्ट कमेंट दिखाता हूँ यार, अब ये वाला कमेंट देखो यार, क्या बताऊँ मैं बे, तुम बता रहे हो ये श्राप दे रहे हो कतई, देख रहे हो मेरे को, मेरी किस्मत पे भरोसा है पर इतना नहीं जितना इसे मेरी किस्मत पे भरोसा है। भाई साहब क्या ही श्राप लगा रहे, चलो अच्छी बात है, क्या कद्दू अच्छी बात है, बुरी बात है। नेक्स्ट, अब ये देखो यार, अब इसका तुम क्या ही कहोगे, अब ये भाई साहब को एंजल प्रिया से मिला है, मैंने शायद नेक्स्ट वीडियो में से मिलाया नहीं, पे पड़ोस में थोड़ी रहते जो मैं तुम्हारे ला के कतई लो मिलो पे, ऐसे थोड़ी ना होता। हाँ अगर मिलने है ना, तुम पबजी लाइट ओपन करो, चैट में जाओ और बस, पॉपुलैरिटी की दाना दानी चल रही है, वो कहेगा तुम मेरे को पॉपुलैरिटी, तो ऐसे ही नाम होंगे और मैं तुम्हारे साथ इतने मैच खेलूंगा जी, मेरा कद्दू भाई साहब लौंडे है काट देंगे, मैं बता रहा हूँ बहुत गलत हो जाएगा तुम्हारे साथ, पॉपुलैरिटी लेके बस कल्टी हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये देखो यार, भाई साहब ने शायरी लिखी है, तो शायरी कुछ इस प्रकार है, हमने बोला पापा से पैंट ला दो हमारे लिए, वाह 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 वाह, क्या हमने बोला पापा से पैंट ला दो हमारे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्निंग तेरे लिए, तेरे लिए, वाह 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 वाह, क्या शायरी लिखी है, का शायरी है, अबे का शायरी है यू, वाह बे सोच कैसे लेते हो यार, इतना दिमाग लाते कहाँ से बे, कहीं बट रहे हो तो मेरे को भी ले चलो, तुम्हारा भाई भी थोड़े दिमाग ले लेगा वहाँ से। नेक्स्ट, अब ये कमेंट देखो यार, और ये कमेंट देखो यार, जरा खुशखबरी तो ऐसे बैठ रहे जैसे पता नहीं क्या होगा, बे है ही नहीं तो भागी किसके साथ, और भागा कौन है, मैं उस लौंडे, पहले वो लौंडे का नाम बताओ जिसके साथ भागा है, वो बेचारा पता नहीं किसके साथ भाग चुका, मैं कहीं तुम्हारा कट ना जाए आईफोन लेके, कतई किडनी बेच के कहे अब हम नहीं जानते भैया जी, ये लो राखी और ये लो बांध दो हमें, ये सीन ना हो जो तुम्हारे साथ। नेक्स्ट, फेस कब दिखाओगे, देखो ये बात तुम्हारा सही है, लेकिन मेरा थोपड़ा इतना गंदा है मैं क्या करूँ, चलो थोपड़ा तो एडजस्ट कर भी लूँगा, अभी तुम्हारे भाई के पास कोई बढ़िया सा सेटअप सूटअप नहीं है, तो ऐसे मुँह उठा के तो मैं खड़ा हो नहीं सकता, तो जब तक कोई अच्छा सा सेटअप नहीं होता तो तब तक तो मेरा कोई प्लान नहीं है, वैसे तुम्हारे वजह से ही होगा फेस रिवील, तो तुम लोग जितना हो सकता है उतना शेयर किया करो, भाई लाइक नहीं करते मत करो, लेकिन एक एक बंदे को शेयर तो कर सकते हो ना डेली, भाई इसमें हाथ थोड़ी ना घिसेंगे, कोई और चीज़ में घिसते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दो। अब बढ़ते हैं रिडीम कोड की तरफ, तो रिडीम कोड आज भी आया है और बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा आसान है, सिंपली आप लोग को यहाँ पे अपना कैरेक्टर आईडी डाल देना है, ठीक है, नंबर वाली डालना, कतई नाम नुमना लिख देना, यहाँ नामकरण नहीं चल रहा है तुम्हारा, नंबर वाली डालना, ठीक है, कुछ बंदे क्या करते हैं दे नाम अपना लिख दिया, और यार वेरिफिकेशन कोड तो इतने स्टाइल में लिखा होता है, अंधे को भी दिख जाए, फिर सीधा साधा ही लिख दो ना, पता नहीं इतना घुमा फिरा के क्यों लिखते, चार को कतई टेढ़ा कर देंगे, छः को उल्टा पुल्टा, ऐसे अंधे को भी दिख जाए, इतना आसान से मतलब पता लग रहा है, भाई थोड़ा मुश्किल डालो यार। अब तो तुम्हारा भाई यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालते हो, और वेरिफिकेशन कोड जब भी डालते हो ना एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, वरना भाई इसके अलग ही लेवल के नशे होते हैं, कद्दू भी नहीं मिलता यार फिर तो। आप लोगों को सिंपली रिडीम कोड देख सकते हो, स्क्रीन पे भी कहीं लिखा आ रहा होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं फोन के स्क्रीन पे, भाई बजट कम है, हर बंदे को बांटता थोड़ी ना फिरूंगा, आईफोन 12 छोड़ो हटाओ, कंप्यूटर भी नहीं बांट सकता मैं, तो फोन पे ही देख लो। अब गेम ओपन करते हो दिखा देते हो क्या रिवॉर्ड है, और पिछली बार भी यही रिवॉर्ड मिला था, लेकिन भाई साहब उस टाइम ना
क्या हुआ था, जो रिडीम कोड था ना उसका भाई टाइम खत्म हो चुका था, तो ये वाला रिडीम का शायद 3 से 4 दिन तक है, तो इंजॉय करो यार 3 से 4 दिन तक। वैसे जो रिडीम मिलता है ना, मतलब जो चीज़ मिलती है वो सिर्फ एक ही दिन के लिए मिलती है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है भाई, एक दिन भी बहुत है। यहाँ तो टाइम लिमिटेड कपड़े मिल रहे हैं, तो रिडीम कोड से क्या कद्दू परमानेंट मिलेगा? क्रिएटो प्रिंग नहीं देखी, अरे क्या करो यार, कल वाली वीडियो देखो, बहुत खराब किस्मत थी। अब देख सकते हो अभी अभी जस्ट 47 सेकंड हुए कताई, देख रहे हो 47 सेकंड में 4-5 रिडीम कोड आए हैं, मतलब सॉरी रिवर्ड सिल्वर। देखो ऑफेंड मत हो, गुस्सा मत हो ना, टेंशन मत लो, सिल्वर ऐसे ही फेकम फेकी चल रही है, सिल्वर देते रहते हैं। तो ये रहा पैराशूट, मुझे पता है एक बार और दिलाया, लेकिन एक बार और आ चुका है, दिक्कत कहाँ रही है यार। पिछली बार किसी को मिला था क्योंकि टाइम खत्म, कतई ओवर हो चुका था, लेकिन इस बार ओवर नहीं होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, तो दोबारा से मिल सकता है। और एक और आउटफिट भाई साहब, ये पर्पल वाली आउटफिट ना आई थिंक 90 BC में आई थी, तो दोबारा मिल चुका है तुम लोग को एक दिन के लिए। और तो जो फ्रेंड कहता है ना कि भाई तुम्हारे पास ये सेट नहीं, कतई उसे दिखाओ और जलाओ, नेट के अलग ही लेवल के नशे है कि भाई हमारे पास भी है परमानेंट, तो कोई लौंडा तुम्हें उल्टा सीधा नहीं कहेगा, कतई परमानेंट है यार, मजाक में ले रहे हो क्या हमारी बातों को। तो ये बाकी ये भी परमानेंट है, दिक्कत दू भी नहीं रहा, वो मेरी गलती नहीं है, ये पबजी लाइट वालों की गलती है। अब ये वाला सेट देख सकते हो, जो कि भाई सेट ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, कतई पर्पल कलर में लग रहा है, लग क्या रहा है, पर्पल कलर में ही है। और ये रहा पैराशूट, अरे यार बस बाइक वाले अंकल रुको जरा थोड़ा, तो पैराशूट देख सकते हो अच्छा है, ऐसे डिसमेंटल कर देते बिकॉज तुम्हारे बाइक पास परमानेंट है, तो क्या कद्दू लेके करूंगा, और मेरा पैराशूट कहाँ गया। ये रहा तुम्हारे बाइक पास जमाना से पुराना, कथी अलीबाबा के जमाने का पैराशूट है, वैसे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। क्या यहाँ भाई क्रेट ओपनिंग नहीं चलने वाली, कल की किस्मत जिसने नहीं देखी ना देख लो, इतनी फूटी किस्मत है। 34 क्रेट ओपन किए मैंने और 34 में से कद्दू भी कुछ ना निकला, तो क्या दोबारा मैं ओपन करूंगा, आज ही मेरा कद्दू। अब तो भाई साहब क्रेट ओपनिंग भूल ही जाओ तुम लोग, हाँ अगर WP गोल्ड क्रेट ओपन करेंगे वो तो, लेकिन अगर कुछ कूपन रहे तो देखते यार आगे ट्राई करेंगे। देख लो तुम्हारे भाई के जैसे कपड़े पहनते हैं ये लौंडा, तो बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और हाँ कुछ बंदे कहते हैं भाई रिडीम कोड डेली क्यों नहीं आता, भाई हलवा है रिडीम कोड, मतलब रिडीम कोड है हलवा नहीं जो डेली बढ़ता फिरेगा। रिडीम कोड या फिर एक हफ्ते में एक बार आता है या फिर पता नहीं कब कब आता है, ज़्यादातर चांसेस है भाई एक हफ्ते में 3 से 4 रिडीम कोड आ ही जाते हैं, तो जब रिडीम कोड आएगा वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो। ऐसे रिडीम कोड से ना कुछ बंदे कहते हैं कि भाई ये चीज़ मिलती है, तो ऐसी बात नहीं है, परमानेंट चीज़ मिलना तो इम्पॉसिबल है, जो भी मिलेगी ना सिर्फ टाइम लिमिटेड ही मिलेगी, ठीक है। तो ये मत सोचना कतई अलीबाबा को गुफा नहीं है जो तुम्हें परमानेंट चीज़ें देगी, ऐसी बात नहीं है यार, परमानेंट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल पर तो यार सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो, प्लीज़ कर दो यार और शेयर कर दो। तो मिलते हैं कभी, बाय बाय। I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you every side, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one, working at